20 जनवरी 2009 के दिन एकेट्रीना नाम की एक लड़की अपने ऑफिस से सीधा अपने घर पहुंची शाम के टाइम में। और जैसे ही वो अपने घर में घुसी, उसने देखा कि उसके ही रूममेट आराम से सोफे पर बैठकर दारू वारू पी रहे हैं और सामने टीवी देख रहे हैं। जब एकेट्रीना ने देखा कि वो दारू वगैरह पीकर भंड हो चुके हैं, तो वो सीधा उनको पास करके अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन यहाँ उन दोनों रूममेट्स ने, जिनका नाम मैक्सिम और यूरी था, उन मैक्सिम और यूरी दोनों ने ही मिलकर एकेट्रीना को रोक लिया और कहा कि हमने यहाँ एक नई डिश बनाई है, तुम भी हमारे साथ बैठकर खा लो और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। एकेट्रीना को भी उस टाइम पर भूख लगी हुई थी और वो भी उनके पास बैठकर वही जो डिश उन्होंने बना रखी थी वो खाने लगी। और जब उस डिश की सच्चाई यहाँ एकेट्रीना को पता लगी, तो यकीन मानिए उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, क्योंकि वो जब जब खाना खा रही थी तब तक उसे उल्टियां आ रही थी। जी हाँ, एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस घटना को समझने के लिए हमें रशिया जाना पड़ेगा और समय था सन 2009 का, जब यहाँ पर करीना बुड़ाचैन नाम की एक लड़की रहा करती थी। दिखने में आम सी लड़की और आम से ही इसके सपने थे। इसने सोचा था कि वो आर्ट्स के अंदर अपनी बैचलर डिग्री करेगी और इसके बाद वो पोएम्स वगैरह लिखेगी, एक कवित्री बनेगी। उसने अभी से ही स्कूल में रहते हुए ही काफी सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दिया था और जो भी दोस्त उसके स्टोरीज वगैरह पढ़ा करते थे, यकीन माने उसे वो बहुत पसंद आती थी क्योंकि ये कमाल की पोइट बन चुकी थी। इसके बाद इसने अपने दोस्तों को ही कहा कि वो रशिया में रहते हुए ही थिएटर वगैरह का काम करेगी और बाद में यहाँ वो अमेरिका चली जाएगी क्योंकि वहां पर अच्छा खासा पैसा वो इस लाइन में कमा सकती है। खैर, जब यहाँ पर करीना सिर्फ 15 साल की थी, तब उसे म्यूजिक में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उसने दुनिया भर के म्यूजिक को सुना और अपने टेस्ट का म्यूजिक उसने चुन लिया और जो म्यूजिक उसने था वो उस म्यूजिक के अंदर और ज्यादा गहराई में जाती गई। वो देखने लगी कि इस तरह का म्यूजिक पूरी दुनिया में और कौन कौन बनाता है और जो जो लोग उसके सामने आते जा रहे थे वो उन्हें ही अपना आइडल मानती जा रही थी। और तभी इसी म्यूजिक की सर्च में उसे एक 19 साल का लड़का जिसका नाम मैक्सिम था वो यहाँ मिल गया। अब ये मैक्सिम जो था वो थोड़ा सा चटपटा टाइप का लड़का था। अगर इसकी ड्रेस आप देख ले तो आप कहेंगे ही नहीं कि ये इस गोले का है, ये कहीं और का ही लग रहा था। बिल्कुल प्रॉपर एलियन की तरह सारा दिन रहता। और जब यहाँ पर करीना ने मैक्सिम को देखा, वो पहली बार इस म्यूजिक की वजह से ही एक कॉन्सर्ट के अंदर मैक्सिम से मिली। और जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो मैक्सिम करीना के लिए आइडल बन चुका था। करीना बार बार उसे देखती, बार बार उसकी तरह ही ड्रेस वगैरह डालती, उसकी तरह ही मेकअप वगैरह करती, सब कुछ यहाँ आदतें मैक्सिम वाली करीना में उतर चुकी थी। कुछ ही टाइम बीतने के बाद यहाँ करीना जब मैक्सिम के साथ बहुत सारे कॉन्सर्ट एक साथ अटेंड करने लगी, उसके साथ हर जगह जाने लगी, उसके ऊपर विश्वास करने लगी, मैक्सिम का तो पता नहीं लेकिन यहाँ करीना मैक्सिम के प्यार के चक्रों में पड़ चुकी थी। करीना को उस टाइम पर यह बात भी अच्छे से पता थी कि मैक्सिम पहले से ही एक रिलेशनशिप के अंदर है और इसी वजह से यहाँ घबरा कर करीना ने कभी मैक्सिम को सामने से कन्फ्रंट नहीं किया कि वो इसी तरह से उसके ऊपर क्रश रखती है या फिर उसे पसंद करती है, जो भी हो। मैक्सिम के ऊपर विश्वास करके करीना ने यहाँ मैक्सिम को अपनी माँ से भी मिलवाया। और जब वो यहाँ पर करीना की माँ नादिया से मिलने के लिए गया तो कुछ ही टाइम रुका था यहाँ और उसके जाने के बाद यहाँ नादिया ने अपनी बेटी करीना को पकड़ कर समझा दिया कि इससे दूर रहे, जिंदगी सही से चलानी हो तो, क्योंकि यहाँ बड़े बूढ़ों को ऑब्वियसली थोड़ी समझ ज़्यादा होती है इंसान की। हमसे जो भी ज़्यादा उम्र में बड़े हैं उन्होंने ऑब्वियसली ज़्यादा दुनिया देखी है और वो जो आपको बता सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस जो आपको दे सकते हैं, उसका हमें ज्ञान नहीं है। और यहाँ नादिया करीना को समझा रही थी कि ये लड़का ठीक नहीं लग रहा उसे, ये आज नहीं तो कल तुम्हें तोड़कर जाएगा और इससे पहले कि ये तुम्हारे साथ खेले इसे दूर हो जाओ, नादिया उसे यहाँ समझा चुकी थी। लेकिन करीना की आंखों के आगे जो पर्दा पड़ा हुआ था वो नादिया एकदम से तो उठा नहीं सकती थी। करीना ने और भी काफी सारे पैशंस अपने लिए चुन लिए थे। वो अलग अलग जगहों पर अपने हाथ पैर फंसा रही थी, कभी वो किसी कलर की नौकरी पर लग जाती, कभी वो म्यूजिक में आ रही थी, कभी वो आर्ट्स में जा रही थी, कभी वो पेंटिंग्स में आ रही थी। वो देख रही थी कि वो किस में आगे जाकर फ्यूचर बना सकती है, किस में एक जगह रहकर वो सेट हो सकती है। और तब आया 19 जनवरी 2009 का दिन और ये वो दिन था जब करीना एक ही झटके में इस पृथ्वी के चेहरे से ही एक सेकंड में गायब हो गई। वो अभी तक सबके साथ थी लेकिन एक ही झटके में वो वहां से गायब हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता था, क्या हुआ था उसके साथ? उस दिन या सुबह होते ही करीना अपने स्कूल गई, स्कूल में उसने क्लासेस लेकर जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकली उसको उसकी एक दोस्त मिल गई और यहाँ उस दोस्त ने कहा करीना को कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो और वहाँ बैठकर आज ग्रुप स्टडी करते हैं और आराम से तुम शाम होते होते अपने घर चले जाना। तो उस फ्रेंड के घर पहुँचते ही यहाँ करीना ने उसकी माँ को फ़ोन कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे अपने दोस्त के घर आ गई हूँ और अभी हम बैठकर पढ़ाई वगैरह करेंगे और शाम होते होते मैं अपने घर आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ इस पढ़ाई के दौरान ही शाम कब हो गई इन दोनों को पता
पता ही नहीं लगा। और शाम होते ही यहाँ करीना ने फिर से अपनी माँ को फोन कर दिया कि आज मैं आने में लेट हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊँ, सुबह सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। पहले तो यहाँ उसकी माँ ने काफी मना किया, लेकिन फिर ज़रा जिद करने पर नादिया ने करीना से कह दिया कि सुबह 7 बजे से पहले तुम मुझे अपने घर पर चाहिए, तो तुम अब देख लेना तुम वहां से कितने बजे निकलोगी और सुबह 7 बजे घर पहुंच जाओगी। करीना ने कहा ठीक है माता, मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, और ये बात कहकर उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन नादिया को कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कॉल पर जो बात कर रही है अपनी लड़की से, वो उसकी अंतिम बात होगी। इसके बाद तो जस्ट फोन बजेगा लेकिन फोन उठेगा नहीं। अब 20 जनवरी 2009 की सुबह हो चुकी थी। नादिया अपने घर पर सुबह सुबह उठी और उसने देखा घड़ी में टाइम तो 7 से ऊपर हो चुका है, और उसने फिर जाकर यहाँ करीना के कमरे में भी देखा कि उसका कमरा तो खाली पड़ा हुआ है, करीना अभी तक घर नहीं पहुंची थी। उसने तुरंत करीना को फोन करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन करीना का फोन कोई नहीं उठा रहा था, रिंग जा रही थी, फोन नहीं उठा रहा था। तुरंत यहाँ पर नादिया ने करीना की दोस्त के घर पर फोन किया और उसकी दोस्त से पूछा कि करीना अभी तक घर नहीं पहुंची, वो तुम्हारे साथ थी कल तक? उसके दोस्त ने कहा हाँ जी आंटी जी, वो मेरे साथ ही थी, लेकिन शाम होते ही जैसे आपका फोन कटा था और हमारा होमवर्क पूरा हुआ, तकरीबन रात होने ही वाली थी, और तभी करीना के पास किसी का फोन आया और वो उसे मिलने के लिए हमारे घर से चली गई थी और मुझे बोल कर गई थी कि शायद मैं रात को नहीं आऊंगी, इसलिए मैं भी अपना दरवाजा वगैरह बंद करके आराम से सो गई थी। अब नादिया ने उससे पूछा कि वो किससे मिलने गई थी, तो यहाँ करीना की दोस्त को नहीं पता था कि आखिर करीना किससे मिलने जा रही है। करीना ने जस्ट उस दोस्त को ये कहा था कि मुझे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दो और मैं वहाँ से चली जाऊँगी। तो वो दोस्त अपने घर से लेकर करीना के साथ उसको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए गई थी, और उसके बाद वो मेट्रो पकड़कर कहां गई ये उस दोस्त को उस टाइम पर नहीं पता था। ये बात सुनते ही तुरंत नादिया पुलिस के पास पहुंच गई, क्योंकि उसको यहाँ डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी तो यहाँ करीना के साथ ना हो गई हो। तुरंत पुलिस के पास पहुंची नादिया, वहां जाकर सब कुछ बताया कि आखिर यहाँ उसकी बेटी के साथ कल रात को क्या हुआ और वो अब तक घर वापस क्यों नहीं आई। पुलिस ने तुरंत यहाँ पर छानबीन स्टार्ट करी और आने वाले 2 हफ्तों तक ये छानबीन चलती रही, पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली थे। इन 2 हफ्तों के बीच में सोचकर देखिए उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जो हर पल यहाँ उम्मीद लगाकर बैठी थी कि अब उसके घर की घंटी बजेगी और अब यहाँ करीना घर पर वापस आ जाएगी, लेकिन वो घंटी कभी नहीं बजी। इस बीच में यहाँ नादिया ने करीना के कमरे को खंगाला और उसे वहाँ पर एक डायरी मिली, और उस डायरी के अंदर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई थी, और वो सारी कविताएं बहुत ज़्यादा डार्क ह्यूमर की थी, और इस ह्यूमर में वो बार बार एक मैक्स नाम के लड़के के लिए वो कविताएं लिख रही थी। अब जाकर सीधा पुलिस को ये डायरी दी गई नादिया द्वारा, और जैसे ही पुलिस ने कविताएं पढ़ी तो पुलिस के मन में भी एक ख्याल आया कि आखिर ये मैक्स कौन है और करीना यहाँ बार बार इस मैक्स के लिए पोएम्स क्यों लिख रही है। लेकिन किस्मत से यहाँ नादिया को पता था कि ये मैक्स कौन है, वही उसका दोस्त मैक्सिम, जिसके लिए यहाँ पर करीना पागल हो चुकी थी। उसके जैसे ही वो कपड़े डालती थी, उसके जैसा ही मेकअप कर रही थी, पूरी तरह से उसको फॉलो कर रही थी। तुरंत नादिया ने पुलिस को ये कहा कि जनाब आप प्लीज़ इस मैक्स को उठाइए, मुझे पता है कि ये कहाँ रहता है, और आप इसे पूछताछ करिए, इस आदमी का जरूर मेरी बेटी के गायब होने से कोई ना कोई लिंक जरूर होगा, तो प्लीज़ आप मेरे कहने पर एक बार इसको झप लीजिए। लेकिन पुलिस ने इस टिप के ऊपर उस टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सिरे से इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि यहां पुलिस को लग रहा था कि ये जो कैरेक्टर इस पोयम के अंदर लिखा गया है, ये कोई वर्चुअल कैरेक्टर है, ये कोई इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये बंदा असल में इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा पुलिस को लग रहा था। लेकिन अब बेचारी नादिया भी अकेली क्या करती, अब वो पुलिस तो थी नहीं जो खुद जाकर रेड मारकर उसको झप लेती, वो भी इंतजार ही कर सकती थी अपनी बेटी के मिलने का। खैर यहाँ पर 2 हफ्ते जैसे ही पूरे हुए थे, एग्जैक्टली 14वें 15वें दिन यहाँ पुलिस को एक कॉल आई, और कॉल करने वाले ने कहा था कि मैं यहाँ पर एक गार्बेज डंप के एरिया के पास रहता हूँ और इस डंप से मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी की लाश को डंप किया गया है, मैंने वहाँ पास जाकर देखा है। पुलिस तुरंत अपनी गाड़ियाँ लेकर, अपना तामझाम लेकर उस डंप एरिया के पास पहुंच चुकी थी, और वहां जाकर उन्होंने जैसे ही उन थैलों को देखा, उन अलग अलग थैलियों में एक लाश को बहुत परफेक्टली काट कर उनमें लपेट कर वहां फेंका हुआ था। वो लाश इतनी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी कि उसकी पहचान करना ऐसे तो लगभग नामुमकिन था। और जब पुलिस ने यहाँ उसके कपड़ों से उसकी पहचान करी, तो उसकी माता ने बताया कि हाँ यही तो कपड़े उसकी बेटी पहनकर निकली हुई थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि करीना ही थी। एक लड़की जिसने अपना फ्यूचर इतना ब्राइट सोचा हुआ था, इतने सारे सपने वो लेकर डेली सुबह उठ रही थी, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी लाश के कई टुकड़े करके ऐसे थैलियों में लपेट कर कहीं डंप कर दिया गया। बट क्यों, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? पुलिस ने उस कटी फटी लाश को जोड़ा और उसका पोस्टमार्टम करवाया। उस पोस्टमार्टम में सामने आया कि इस लड़की की मौत
डूबने की वजह से हुई है। अब जैसे ये बात पुलिस को पता लगी, सभी फिर से परेशान हो गए कि यार अब ये डूबना कहाँ से आ गया, पानी में जाकर ये कहाँ डूबी है, ये भी अभी तक पता नहीं था पुलिस को। और टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्यों? क्योंकि यहाँ जो कट लगे हुए थे बॉडी के ऊपर, इतने प्रिसाइज थे, इतने शार्प थे, इतने सटीक थे, जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि जरूर यहाँ करीना की लाश को किसी पुराने पापी द्वारा काटा गया है। मतलब वो आदमी नया नहीं है, उसने पहले भी ऐसे कांड किए हुए हैं। पहले या तो वो कोई डॉक्टर वगैरह होगा, या फिर वो किसी बूचड़खाने में होगा जो इस तरह से लाशों को काटता हो, जिसको अंदाज़ा हो किस तरीके से परफेक्टली शेप में एक लाश को काटा जा सकता है। उस टाइम पर तो यहाँ पुलिस को इस लड़की की मौत की असल तारीख पता नहीं चल पाई, लेकिन एक बात यहाँ ये पक्का पता चल चुकी थी कि जो भी इस लड़की के साथ हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर था। पुलिस इधर उधर अपने हाथ पैर मार ही रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। और तब पुलिस के पास एक कॉल आई। यहाँ ये कॉल करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम कैटरीना ज़ेनोवेया था। अब इस कैटरीना ने बताया कि करीना जिस रात गायब हुई थी, उस रात करीना उसके घर पर आई थी। अब यही चीज़ तो पुलिस वाले ढूंढ रहे थे कि आखिर यहाँ करीना अपनी दोस्त के घर से निकलकर उस मेट्रो को पकड़कर गई कहाँ पर है। और यहाँ ये सामने से कैटरीना नाम की लड़की फ़ोन कर रही है और कह रही है कि जिस रात करीना गायब हुई थी, वो करीना हमारे घर आई थी और मेरे साथ बैठी थी। पुलिस ने तुरंत अपनी गाड़ियाँ उठाई, सीधा अपने तामझाम के साथ उस कैटरीना के घर पर पहुँच चुकी थी। पुलिस इस घर पर पहुँची, वहाँ बैठा कर कैटरीना से पूछताछ की गई, और कैटरीना ने बताया कि असल में 19 जनवरी 2009 की रात को हमारे यहाँ घर में हमने दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। असल में इस पार्टी के अंदर उसका दोस्त मैक्सिम और मैक्सिम का दोस्त यूरी और इन दोनों के अलावा दो लड़के और होने वाले थे। और यहाँ एकेट्रीना जो कि इस घर के अंदर रहा करती थी, इस मैक्सिम की रूममेट थी वो, और यहाँ एकेट्रीना बाहर नौकरी वगैरह कर रही थी। और जब वो रात को अपना काम निपटाकर वापस घर पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो 4-5 लड़के बैठे हुए हैं और ये सारे दारू वगैरह पीकर सेट हैं, और इसके अलावा यहाँ वो जोर जोर से गाने वगैरह बजाकर पड़ोसियों को परेशान भी कर रहे हैं। एकेट्रीना ने तुरंत इन सभी को म्यूजिक वगैरह इतना तेज बजाने से मना कर दिया। उसकी बात मानकर उन्होंने म्यूजिक कम भी कर दिया, जिसके बाद यहाँ एकेट्रीना अपने कमरे में चली गई। और वापस यहाँ मैक्सिम ने एकेट्रीना को बुला लिया कि तुम भी आ जाओ, हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन हो सकती हो। और इसी पार्टी के बीच यहाँ एकेट्रीना भी जब उनके सामने बैठी हुई थी, दारू वगैरह वो भी ले रही थी, और तभी मैक्सिम को एक कॉल आया और मैक्सिम ने उस कॉल को उठाया, उससे बात करी और जस्ट 2-3 शब्दों में ये कहा कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ आ जाओ। और जैसे ये कॉल कट हुआ, मैक्सिम ने चिल्लाकर अपने दोस्त यूरी से कहा कि मीट आ रहा है। अब ये चीज़ सुनकर यूरी भी परेशान हो गया कि मीट आ कहाँ से रहा है, क्या अपने आप चल कर आएगा, क्या जिंदा मीट आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ उसने कहा कि ठीक है आने दो, बढ़िया है, खा लेंगे। अब वो कॉल कट हो चुका था, वापस दोबारा अपने अपने पैक बनाकर वापस सेट थे। और थोड़ी देर बाद इनका दरवाज़ा खटखटाया गया और दरवाज़ा सीधा जाकर खोला यूरी ने। यूरी ने दरवाज़ा खोला, सामने यहाँ खड़ी थी करीना। करीना अंदर आई और सभी से मिली, मैक्सिम से मिली, बाकी दोनों लड़कों से मिली, यूरी से मिली और एकेट्रीना से मिली, और साथ में आकर इसी पार्टी के बीच में ही बैठकर दारू वगैरह पीने लगी। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, ये सभी दारू के नशे में सेट हो चुके थे, और इसके अलावा भी यहाँ वो अलग अलग तरहों के नशे पतों में पूरी तरह से सेट थे। ये सारा काम होने के बाद जब रात आधी रात में बदल चुकी थी, तभी यहाँ पर मैक्सिम ने सभी अपने यार दोस्तों को खड़ा किया और कहा कि चलो निकलो, मुझे करीना के साथ थोड़ा सा अलग टाइम बिताना है, थोड़ा सा अकेले में टाइम उसके साथ स्पेंड करना है। अब ये चीज़ सुनते ही सभी के मन में एक ही ख्याल आया, जो कि ऑब्वियसली आपके मन में ही भी आया होगा। अब उसके दोस्त समझ चुके थे तो वो वहाँ से खड़ा हुए, अपना अपना तामझाम उठाया और बाहर निकल लिए। लेकिन यहाँ मैक्सिम ने यूरी को रोक लिया था। यूरी को कहा कि तुम तो यहाँ मेरे साथ ही रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकेट्रीना तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि उसका तो घर है, वहाँ पर वो तो रहती ही है। मैक्सिम भी कहीं नहीं जाएगा, वो भी यहाँ एकेट्रीना का रूममेट ही है। दूसरी तरफ यूरी और करीना अब यहाँ बचे हुए थे। इसके बाद जो इस घर में होने वाला था, यकीन मानिए उससे बुरा आज तक कुछ नहीं था। जी हाँ, जैसे ही यहाँ पर वो घर खाली हुआ, सभी दोस्त उसके जो थे वो दोनों लड़के चले गए थे, उसके बाद यहाँ मैक्सिम ने करीना से कहा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करता ही हूँ, और मुझे आज तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, मुझे तुम्हारे साथ आज संबंध बनाने हैं। अब एक 16 साल की लड़की जिसे समझ नहीं थी इस दुनियादारी की ज़्यादा, अब उसको सिर्फ सामने वो इमेजिनरी दुनिया ही दिख रही थी, और इस इमेजिनरी दुनिया में मैक्सिम ही उसके लिए सब कुछ था। वो मैक्सिम को मना कैसे कर सकती थी? उसने तुरंत मैक्सिम को हाँ कर दिया।
ये हाँ करते ही मैक्सिम ने कहा कि पहले हम संबंध बनाएंगे और उसके बाद हम जाकर दोनों एक साथ नहाएंगे भी हमारे बाथरूम में। तुरंत यहाँ पर करीना ने उसके लिए भी हाँ कर दिया। अब यहाँ तक तो जो बातें हुई थी वो एकेट्रीना ने भी सुनी थी, यूरी ने भी सुनी थी, लेकिन जैसे ही यहाँ उनके फिजिकल संबंध पूरे हुए और उसके बाद वो नहाने के लिए गए तो उस टाइम तक यहाँ एकेट्रीना थोड़ी थक चुकी थी। वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी और उसने ऊपर से अपने कंबल ले लिया, लेकिन यहाँ उसको आवाजें आ रही थी बाथरूम में। बाथरूम में पहले तो उसको हंसने हंसाने की आवाज़ें आई और थोड़ी देर बाद उसको आवाज़ें आई कि अंदर नल चल रहा है, वो जो बाथटब है उनका वो भरा जा रहा है। अब उस बाथटब को भरने के बाद जो वो आवाज़ें आ रही थी, वो आवाज़ें, वो हंसी मजाक वाली आवाज़ें अब छटपटाहट में बदल चुकी थी। अब जैसे ही एकेट्रीना ने आवाज़ें सुनी छटपटाहट वाली तो वो अपने बेड से उठी और देखने जाने लगी कि आखिर उस बाथरूम में हो क्या रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि बीच में ही यहाँ यूरी खड़ा था और यूरी ने एकेट्रीना को रोक लिया और कहा कि तुम अपने बेड में जाकर वापस सो जाओ। एकेट्रीना को पहले भी मैक्सिम और यूरी ने मजाक मजाक में कहा था कि वो एक दिन करीना की जान जरूर लेंगे। अब ये चीज़ उसको उस टाइम पर तो अजीब लगी थी, लेकिन उसको लगा कि कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, कर लेने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आज सच में ये काम करने वाले हैं। यहाँ मैक्सिम ने बाथरूम को पहले ही खुला छोड़ दिया था और ये प्री प्लान्ड मर्डर कितना सटीक था उसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा लीजिए कि मैक्सिम ने पहले ही यूरी को समझा दिया था कि मैं अंदर जाकर तीन बार छींक मारूंगा, नकली छींक मारूंगा, एक्टिंग करूंगा और उन छींकों को सुनकर तुम उस बाथरूम में आ जाना और मेरी मदद करना करीना की जान लेने में। यूरी ने कहा ओके। तीन बार छींक मैक्सिम मार चुका था। यूरी ने दरवाजा पकड़ा, खोला और सीधा अंदर गया और अब अंदर जाकर देखा कि उसने कि करीना के ऊपर मैक्सिम बैठा हुआ है और वो नीचे की तरफ ऐसे लेटी हुई है बाथटब में और उसके पैरों के ऊपर यहाँ मैक्सिम बैठा है। और जैसे यूरी गेट खोलकर अंदर घुसा, करीना एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई कि हम दोनों के नहाते हुए ये तीसरा यहाँ बीच में कैसे आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, यूरी ने उसका मुंह पकड़ा, पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ा और सीधा पानी के अंदर डुबा दिया। पानी के अंदर तब तक डुबा कर रखा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। सोच कर देखिए आप, वो छटपटाहट की जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो और ज़रा तेज हो गई थी। एकेट्रीना ने वो आवाज़ें सुनी लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। करीना डूबकर यहाँ उसी बाथटब में मर चुकी थी। अब यहाँ सिर्फ उसकी लाश बची हुई थी और इस लाश का ही अब इन दोनों को कुछ ना कुछ करना था। इन दोनों ने यहाँ प्लान बना लिया था कि इस लाश को हम इस बाथरूम से बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर इसे बाहर निकाला तो बहुत बड़ा इलाका साफ करना पड़ेगा। सिर्फ यहीं तक ही इस लाश को सीमित रखेंगे, जो भी करना है इसके साथ यहीं करेंगे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यूरी और मैक्सिम दोनों ही पहले एक बूचड़खाने में काम किया करते थे और इस काम के दौरान ही उनको पता था कि धारदार हथियारों को असल में कैसे चलाना है, कैसे वो इतने सटीक कट इस लाश के ऊपर लगा सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे जानवरों को भी इसी तरह किसे काटा था। पूरा बाथरूम यहाँ उनका खून से भर चुका था। अब लगभग सुबह ही होने वाली थी और उनको पता था कि यहाँ एकेट्रीना अब जागेगी। अब इन दोनों रूम के बीच में यहाँ एक ही बाथरूम था और वही बाथरूम इस घर में रहने वाले सभी लोग इस्तेमाल करते थे, तो उन्हें यहाँ जो भी करना था बहुत जल्दी में करना था और जल्दी जल्दी साफ सफाई करनी थी। मैक्सिम गया बाहर, वो बाहर से एक बड़ी सारी थैली लेकर आया और जो जो पीसीज यहाँ उन्होंने अपने काट कर रखे हुए थे, काफ़ी सारे पीसीज यहाँ उसके काट डाले थे, अलग अलग सभी अंग कर दिए गए थे, अंदर से भी काफ़ी सारे अंगों को बाहर निकाल कर अलग थैली में लपेटा गया था। और जैसे इन सभी अंगों को अलग अलग सेट करके अलग अलग थैलियों में लपेटा गया, वो थैलियाँ बाहर निकाली गई, लेकिन इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इस थैली के अंदर से एक भी खून का कतरा नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर गिरा तो इस बहुत बड़े इलाके को साफ करना पड़ेगा यहाँ से सबूत मिटाने के लिए। वो बहुत धीरे 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 कर एक एक सेट को बाहर निकाले जा रहे थे, मैक्सिम अपने कमरे में रखता जा रहा था और तब उन्होंने यहाँ बहुत साफ सफाई के साथ केमिकल्स लेके आए हुए थे वो पहले से ही, और उन केमिकल्स के साथ ही यहाँ उन्होंने इस बाथरूम को भी साफ कर डाला। यहाँ उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा जिसे देखकर ये लगे कि रात को यहाँ पर इस बाथरूम में एक मर्डर हुआ था। एकेट्रीना उठी और वो सीधा जाकर मैक्सिम और यूरी से भी मिली और पूछने लगी कि करीना कब गई। तो यहाँ उन दोनों ने बैठा कर एकेट्रीना को समझा दिया कि अगर तुमसे कोई भी पूछे कि करीना रात को आई थी तो तुमने कहना है कि हाँ आई थी, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि वो कब गई तो तुम्हें यही कहना है कि जब वो दोनों लड़के यहाँ इस घर से बाहर निकले थे उनके साथ ही यहाँ करीना भी निकल गई थी और उसके बाद वो कहाँ गई हमें नहीं पता। एकेट्रीना ने उस टाइम पर तो मैक्सिम और यूरी की बात मान ली, लेकिन असल में यहाँ करीना उस घर से बाहर तो निकली
लेकिन उस टाइम पर उसके शरीर के कई सारे टुकड़े हो चुके थे और दूसरा उन टुकड़ों के अंदर अब जान नहीं थी। अगला दिन आ चुका था यहाँ 20 तारीख को सुबह सुबह। यहाँ एकेटरिना अपने कमरे से तैयार होकर अपनी नौकरी के लिए निकल चुकी थी। ये दोनों अभी भी अपने कमरे में पड़े हुए थे और जैसे ही एकेटरिना निकली, इन्होंने दोबारा से यहाँ उन कुछ थैलियों को खोला जिनके अंदर करीना को काट काट कर लपेटा गया था, और उनमें से कुछ टुकड़ों को बहुत छोटे छोटे पीसीज में काटा और सीधा कुछ सारी सब्जियां लेके आकर और बहुत सारे मसाला डालकर वो सब्जी उन्होंने उस टाइम पर बना ली। ये सब्जी बनाने के बाद उन्होंने अलग से यहाँ काफ़ी सारे चावल भी मंगवाए और चावल को लपेट लपेट कर उसमें से खा भी गए। वो सब्जी अभी भी बची हुई थी, शाम हो चुकी थी, यहाँ इनका पेट पूरा भरा हुआ था। एकेटरिना अपनी नौकरी से वापस आई और जैसे ही आई उसने देखा कि सामने यहाँ मैक्सिम और यूरी बीच में बैठ कर टीवी वगैरह देख रहे हैं, सामने दारू की खाली बोतलें पड़ी हैं, ऑब्वियसली पी के सेट थे। और जैसे ही एकेटरिना आई उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक प्लेट है और उसके अंदर सब्जी भी मौजूद है। अब जैसे इन दोनों ने एकेटरिना को देखा, उन्होंने तुरंत यहां एकेटरिना को बुला लिया और कहा कि आओ हमारे साथ बैठकर खा लो। तो एकेटरिना को भी भूख लगी हुई थी, बेचारी नौकरी से वापस आई थी, और जैसे ही वो उनके पास बीच में जाकर बैठी और देखा कि यहां इन्होंने एक बहुत अजीब सी सब्जी बनाई हुई है और यही खानी है, एकेटरिना ने उसके कुछ पीसेस उठाए और चम्मच के साथ वो खा लिए। एकेटरिना को वो सब्जी बहुत टेस्टी लगी और पूछने लगी कि यह क्या है। मैक्सिम ने बताया कि मैंने मीट बनाया है, मीट तो बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन यह मीट है किस चीज का। तब यहाँ पर एकेटरिना को पता चला कि ये मीट किसी और का नहीं बल्कि उसकी ही दोस्त करीना का था। मैक्सिम ने एग्जैक्टली बता दिया उसे कि असल में जो सब्जी वो खा रहे हैं वो करीना के किस बॉडी पार्ट की है, और सही तौर पर कहूँ तो वो असल में यहाँ करीना के पेट को ऊपर से और अंदर से कुछ ऑर्गन्स को निकाल कर उनको काट कर यहाँ उसकी सब्जी बनाकर खा रहे थे। बाकी की बची हुई बॉडी को उन्होंने उसी दिन अपनी गाड़ी में लोड किया और सीधा उस गाड़ी को उस डंप यार्ड के पास लेकर गए और वहीं फेंक दिया। अब बॉडी उस टाइम पर तो नई नई ताज़ा थी, उस टाइम पर तो उसने सड़ना शुरू नहीं किया, लेकिन 5-7-10 दिन जब बीते तब यहाँ पर उन थैलियों के अंदर से बहुत बदबू आने लगी। और तब जाकर यहाँ 2 हफ्ते बाद, एग्जैक्टली जिस दिन से यहाँ करीना गायब हुई थी उसके 2 हफ्ते बाद से, उस आदमी ने यहाँ पुलिस को कॉल किया कि यहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है और मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप प्लीज़ आकर यहाँ चेक कर लीजिए। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने उन थैलियों को देखा और उनके अंदर वो कटे हुए लाश के टुकड़े मौजूद थे। अब पुलिस ने इन दोनों चटपटों को झप लिया। अब जैसे ही झपा, इन दोनों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। अब क्योंकि इस क्राइम के अंदर 2 लोग शामिल थे, मैक्सिम और यूरी, इसलिए इन दोनों में से एक मुख्य आरोपी को बाहर निकालना मुश्किल काम था। क्योंकि यहाँ बेशक दुनिया कुछ भी कहे, बयान तो हमेशा आरोपी के ही लिए जाएंगे। सुनने सुनाने के लिए बातें अलग होती हैं, लेकिन कोर्ट में सिर्फ सबूत चलता है। अब सबूत के तौर पर तो यूरी कह रहा है कि ये सारा कांड मैक्सिम ने बैठाया है और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाने दो। अब मैक्सिम से जब पूछा गया, हाँ बाबूजी तू बता तेरे को क्या बीमारी है, तो उसने कहा कि जनाब मेरा भी कोई रोल नहीं है, ये सारा कांड तो यूरी ने बैठाया है, यूरी उसको पसंद करता था और उसने जाकर उसके सामने कन्फेस किया कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसको सीधा खींचकर बाथरूम में ले गया, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और जब यहाँ पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो उसकी डुबाकर जान ले ली। अब ये स्टोरी भी पुलिस को काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि यूरी तो उससे पहली बार यहाँ मिला था, वो पहली बार यहाँ करीना से मिल रहा था, वो तो जानता तक नहीं था कि करीना नाम की कोई चीज़ भी इस घर में अब आने वाली है, और ये चीज़ एकेटरिना पहले ही पुलिस को बता चुकी थी। अब पुलिस का पूरा फोकस था इस मैक्सिम नाम के पापी के ऊपर। जब इनको प्यार भरी पुलिस की सेवा मिली तो उस सेवा के दौरान ये टूट गए, और इस सेवा का मजा लेने के बाद इन्होंने पुलिस के सामने बोलना शुरू किया और कहा कि हाँ जी जनाब, ये कांड हम दोनों ने मिलकर किया है और ज़रा काम तो मैक्सिम का ही था। उसने कहा कि जनाब हम सिर्फ भूखे थे और उस टाइम पर घर में खाने के लिए कुछ था नहीं, एकेटरिना भी अपनी नौकरी से वापस नहीं आई थी और हमें दारू के साथ कुछ खाने पीने के लिए चाहिए था, अगले दिन के लिए भी तो कुछ चाहिए था क्योंकि हमारी तो दारू की बोतलें रात को बचने वाली थी, हमें पता था। अब क्योंकि कुछ खाने के लिए नहीं था और बाहर जाने के लिए कोई खुश नहीं था कि बाहर जाकर कौन खाना लेकर आएगा, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम मीट को ही अपने पास बुला लें। तो यूरी और मैक्सिम ने बैठकर अपने आप में डिस्कस कर लिया कि वो उसके एक दोस्त को बुला लेते हैं, और तुरंत यहाँ मैक्सिम ने करीना को फ़ोन किया और पूछने लगा कि तुम कहाँ हो। उसने कहा कि मैं तो अपने दोस्त के घर हूँ, बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ, रात को भी यहीं रुकूंगी। ये चीज़ तो मैक्सिम के लिए गोल्डन चांस थी कि लड़की आज तो घर से बाहर रुक रही है। उसने तुरंत यहाँ पर करीना को कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ, पार्टी वगैरह कर रहे हैं। अब क्योंकि करीना बेचारी यहाँ मैक्सिम की बातों पर विश्वास करती थी, वो उसे उसका आइडल मानती थी, उसको फॉलो करती थी, और दूसरी बात वो उसे पसंद बहुत ज़्यादा करती थी, वो उसका क्रश था। अब इस क्रश के चक्कर में
वो उसकी बातों में आ गई और सीधा वहां से निकलकर मेट्रो पकड़कर यहां मैक्सिम के घर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन बेचारे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ आ तो चल कर रही है लेकिन जाएगी काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स में। मैक्सिम और यूरी पहले से ही दोनों एक बूचड़खाने में काम कर चुके थे तो और यहाँ दोनों को पता था बॉडी को किस तरह से प्रॉपर तरीके से काटा जाता है और क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर से खाने लायक होता है, हम क्या क्या खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ उन्होंने करीना के शरीर से उसके दो चैन, उसकी एक अंगूठी, उसके कानों में पहने जाने वाले टॉप्स, उसका मोबाइल फ़ोन और उसका एक MP3 प्लेयर भी चुरा लिया और उसको अगले दिन ही बेच खाया। उसे जो पैसे आए उसी से तो यहाँ अलग से वो दारू की बोतलें लेके आए हुए थे जो रात को बैठकर एकेट्रीना, मैक्सिम और यूरी ने पी थी। सुबह सुबह उठे जैसे ही तो उस टाइम पर इनको तेज़ भूख लगी हुई थी और उठते ही यहाँ इन्होंने फ्रिज से निकाल कर कुछ उसके बॉडी पार्ट्स को काटा, पेट वाले बॉडी पार्ट्स को काटा, उनको आलू वगैरह के साथ मिक्स किया और मसाले वगैरह डालकर तड़का लगाकर उसको मज़े से खा रहे थे। ट्रायल के दौरान यहाँ मैक्सिम ने अपने ही अलग से रोने स्टार्ट कर दिए और उन रोनों में जज को बोल रहा था कि बाऊजी देखिए मैं पहले से ऐसा नहीं था लेकिन जब से मुझे करीना मिली थी मैं तब से ही उसके चक्कर में पड़ गया था। ऑब्वियसली मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन मैं उसके ही डर की वजह से कभी करीना को ये बात उसे बता नहीं पाया और जब बताने का मौका मिला तो मैंने उसको अच्छे से बताया भी, इसीलिए मुझे यहाँ थोड़ी कम सज़ा दी जानी चाहिए क्योंकि मेरी कोई पहले हिस्ट्री नहीं रही है क्राइम की और मैं आगे से ऐसा कुछ करूँगा भी नहीं। एक जिंदा लड़की को मार कर उसे काट कर खाने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे सज़ा कम मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ नादिया यानी कि करीना की माँ को तो बताया भी नहीं गया कि उसकी बेटी की मौत असल में हुई कैसे है, जस्ट उनको ये बता दिया गया था कि उनकी बेटी मिल गई है और कटे हुए हिस्सों में मिली है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अपनी ही बेटी के कातिलों के बारे में नादिया को टीवी से पता लगा? बेचारी उन्हें बददुआएं देती हुई सीधा कोर्ट की तरफ भागी गई और कोर्ट में जब वो ट्रायल वो सुनाई ख़त्म हो चुकी थी और इन दोनों को पकड़कर बाहर लेकर आया जा रहा था, नादिया ने उन दोनों को सामने से देखा और उन्हें वहीं पर उनकी भाषा में गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। ऑब्वियसली यहाँ पर गालियाँ देनी बनती भी थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला की ना सिर्फ बेटी को मारा गया था बल्कि उसके बुढ़ापे की सहारा थी वो। कौन था यहाँ पर नादिया का करीना के अलावा? नादिया ने खुद बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान यहाँ पर ये दोनों ही इतने ज़्यादा शांत लग रहे थे कि उन्होंने पूरी तरह से डिटेल में सब कुछ बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ हुआ था इसी तरह से उन्होंने भी कोर्ट के सामने सब कुछ बताया कि उन्होंने क्या किया था। इतने शांत थे और उनको कोई यहाँ पर अफसोस नहीं था इस चीज़ का कि जो उन्होंने किया है। नादिया यहाँ पर टूट चुकी थी, उसने कहा कि मैंने पहले भी यहाँ करीना को समझाया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये वैसे ही उससे उम्र में 4-5 साल बड़ा है और इसे दूर रहने में ही भलाई है। इसका जो रहन सहन था, इसके जो हाव भाव थे वो भी आम इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। आपने इसकी फ़ोटोज़ में देखा ही होगा कैसे ये छपरी टाइप कुछ लग रहा है मुझे तो, लेकिन पता नहीं क्यों होता है ऐसा। शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ या फिर लड़के लड़कियों को इस उम्र में 16-17 साल की उम्र में इसी तरह के जो थोड़े बड़े लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं वो पसंद आती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि इनके पास सब कुछ है, इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, इनके जो फॉलोवर्स हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत अच्छी है, ये बड़े बड़े लोगों के साथ इनके लिंक्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ बकवास है। सिर्फ किसी की सोशल लाइफ को देखकर, किसी की ऑनलाइन ज़िंदगी को देखकर ये मत सोचिए कि वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। मैक्सिम और यूरी दोनों के ऊपर ही आरोप साबित हुए और इन आरोपों के बदले उन्हें 19 साल की और 18 साल की सज़ा सुनाई गई, 19 साल की मैक्सिम को, 18 साल की यूरी को। इन दोनों को यहाँ पर मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल, वहाँ की कॉलोनी जेल के अंदर रखा गया और ये कॉलोनी जेल वैसे तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छी है लेकिन इसके अंदर का वातावरण ठीक नहीं है। यहाँ कैदी आपस में ही लड़ मरकर मर जाते हैं और इस बात से वहाँ की सरकार को भी कोई फ़र्क नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ इस जेल के अंदर उन्हीं को रखा जाता है जो इस सोसाइटी के लिए, जो वहाँ के आम लोगों के लिए खतरा हो। तो इससे बढ़िया है कि वो सरकार उनको कोई सज़ा दे, आपस में ही खुद अंदर लड़ पड़ कर मर जाओ, खप जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्च 2017 का समय आ चुका था और अब यहाँ पर मैक्सिम और यूरी को इस जेल के अंदर रहते हुए तकरीबन 8-7 साल हो बीत चुके थे लेकिन इस मार्च 2017 में एक दिन मैक्सिम अपने सेल के अंदर अपने ही कपड़ों से टंगा हुआ मिला। बहुत बढ़िया हो गया कि इसने खुद ही यहाँ पर अपना कांड बैठा लिया, अपना सुसाइड कर लिया। मेरे ख्याल से तो उसने सही किया, मेरे ख्याल से तो यहाँ बढ़िया ही हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ उसने जिस तरीके से एक बेचारी लड़की के साथ जो किया उसके लिए उसे
अगर सरकार भी मृत्यु दंड दे देती तो वो भी कम ही रहता। उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो जल्दी ही दोबारा जन्म लेगा, एक नए शरीर के साथ उसकी आत्मा आएगी और अब की बार वो एक अच्छा आदमी बनकर इस दुनिया के सामने आएगा। लेकिन यहाँ मैक्सिम के परिवार ने बताया कि हमें नहीं लगता कि मैक्सिम ने खुद यहाँ सुसाइड किया है, बल्कि यहाँ उसे जरूर मजबूर किया गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने कई बार शिकायतें करी थी कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो उसके सेलमेट्स हैं, वो सारा दिन उसे लड़ते वगैरह रहते हैं और उसको जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। अब हो सकता है किसी ने ये धमकी सही में पकड़ ली हो और उसे पकड़ के टांग दिया हो, हो सकता है और नहीं भी, पता नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि वो निपट चुका था। अंतिम क्षणों तक भी, अंतिम दिनों तक भी ये अपने ही सेलमेट्स को ये बताता रहता था कि उसका कोई लेना देना नहीं है करीना के मर्डर से, उसे तो जस्ट ऐसे ही फ्री फंड में छपा हुआ है। वैसे सही भी है, हर कैदी हर बार यही कहता है कि उसका कोई मतलब नहीं है जिस क्राइम के लिए उसको अंदर किया गया हो। साथ ही वो खुद को एक आदमखोर या फिर कैनिबल भी नहीं मानता था। ये कहानी थी बेचारी करीना की और उसके मर्डर एक्यूज्ड यूरी और मैक्सिम की। आपको इसके बारे में क्या कहना है? आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं कि आज के जो चलन चला हुआ है, मेरे ख्याल से आज और भी बुरा हाल है। तो 2009 की कांड मैंने आपको बताया है, 2023 आया हुआ है, बहुत बुरा हाल आज इस दुनिया में आ चुका है। खुद को सेफ रखना मानो एक जद्दोजहद का काम बन चुका हो। कोई भी आजकल इधर उधर चलता फिरता सेफ नहीं लगता मुझे तो। इतने कांड मैं तो देखता हूँ, इतने स्टोरीज मैं देखता हूँ, उनमें से मैं बहुत रेयरली कोई एक पिक करता हूँ जो आपको बताने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं व्यूअर्स जो इन स्टोरीज़ को सुनकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी वो दिमाग के ऊपर थोड़ा बुरा इफेक्ट डालता है। तो और मैं नहीं चाहता कि मुझे सुनने वाला या फिर मुझे देखने वाला कोई 1% भी थोड़ा परेशान हो, उसको बुरा फील लगे, वो अनकंफर्टेबल हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगा। हाँ, अगर आपको नॉलेज लेनी है, अगर आपको खुद को सेफ रखना है, आपको पता करना है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, तो आपको ये स्टोरीज़ देखनी चाहिए और औरों को भी दिखानी चाहिए ताकि आपके यारे प्यारे, आपके घर परिवार, रिश्तेदार सारे वो सेफ रहें। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी स्टोरीज़ देखते हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल सतर्क रहने लगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की कहानी। खैर, अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विराज जाधव को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।